सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य का राशि परिवर्तन जो है मिथुन राशि में हो रहा है, तो सूर्य ग्रह 15 जून को दोपहर को 12:03 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पहले सूर्य वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे और ग्रहों का राजा सूर्य का जो गोचर है वो लगभग एक महीने का होता है। तो अब जो है सूर्य मिथुन राशि में आएंगे, तो आज हम बात करेंगे मेष राशि का क्या हाल रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो आज मेष राशि वालों की बात करेंगे। सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है तो उस समय को जो है सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो 12 माह में 12 संक्रांतियाँ होती हैं, तो जिस दिन सूर्य ग्रह राशि बदलते हैं उस समय को ही सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो 15 जून को दोपहर को 12:03 बजे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 16 जुलाई तक ये यहीं पर रहेंगे। घरों में राजा का अधिकार सूर्य के पास प्राप्त है, तो प्रसिद्धि मान सम्मान आदि का विचार इन्हें किया जाता है। सरकारी नौकरी यदि किसी की लग जाती है तो जातक का जो है सूर्य बहुत मजबूत होता है, क्योंकि यदि किसी भी जातक का सूर्य बहुत मजबूत अवस्था में है तो उसके सभी सरकारी कार्यों में बाधाएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इनका अधिकार कार्य क्षेत्र पर अधिकार है, तेज शक्ति के स्वामी है ये। मेष राशि में उच्च के तुला में नीच के होते हैं और सिंह राशि के स्वामी हैं, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह पराक्रम तेज प्रसिद्धि मान सम्मान आदि के लिए जाने जाते हैं। यश और कृति का भी पता इनसे लगाया जाता है। और यदि किसी की कुंडली में मजबूत अवस्था में है तो जातक के जो है सभी रोग स्वयं समाप्त हो जाते हैं, मगर यदि आपकी कुंडली में ये कमजोर अवस्था में है तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई तरह की दिक्कतें आपको आती है और ख़ासकर सरकारी कार्यों में बहुत तरह की बाधाएं जो है देखी गई हैं। तो बात कर रहे हैं आज हम मेष राशि वालों को क्या परिणाम मिलेगा सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा। सूर्य इस समय आपके पराक्रम स्थान में रहेंगे, तो पराक्रम स्थान में रहने से जो है इस समय आपकी भाग दौड़ जो भी होगी वो रंग लाएगी। ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इस समय जो भी भाग दौड़ आप कर रहे हैं ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपसे जो छोटे भाई बहन हैं, यानी कि चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो किसी कार्य क्षेत्र में हो, जहाँ भी आपसे छोटे उम्र में, वो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि में सूर्य आ रहे हैं। मिथुन राशि के स्वामी खुद बुध ग्रह है जो युवराज है और ग्रह का राजा जो है युवराज घर में जा रहे हैं। हालांकि इस समय काम को लेकर कोई छोटी मोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। और आपके यदि भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य का जो है पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। इस समय जो है आपको कहीं से नया ऑफर भी मिल सकता है, कोई नई जॉब की बात आपकी चल सकती है। और यदि इस समय जो है आप कहीं जाने की सोच रहे हैं तो धार्मिक यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि धार्मिक यात्रा पर जाने का पूरा अवसर आपको प्राप्त होगा। और इस समय ये समय आपका बन भी रहा है कि आप कहीं धर्म के कार्य में जुड़े रहेंगे, साथ ही धर्म से लेकर कोई धार्मिक यात्राएँ आप कर सकते हैं। इस समय का आप जितना भी सदुपयोग करेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और इस समय जो है आपकी विदेश यात्रा का पूरा चांस बन रहा है, बाहरी क्षेत्रों से भी जो है आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बाहरी क्षेत्र में जाने के आप सोच रहे हैं, यानी किसी फॉरेन कंट्री में अपने काम को लेकर या व्यापार के सिलसिले में, तो ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है। इस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं। इस समय की गई यात्रा आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, हालांकि इस समय आपका जो है खर्चा अधिक बड़ा रहेगा। कैरियर की बात अगर आपकी की जाए तो कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। इस समय कैरियर के लिहाज से ये समय बड़ा अनुकूल है। नौकरी में भी आपका बदलाव होगा, साथ ही नौकरी अच्छी मिलेगी और व्यापार में भी जो है आपकी तरक्की होगी। पिता से जो है पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, तो ये समय आपके कैरियर बनाने के लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि एक तो पिता द्वारा आपको लाभ होगा, साथ ही अपने व्यापार में भी आपको लाभ होगा। नौकरी भी आप कर सकते हैं, नौकरी में बदलाव की आशंका है। नौकरी अगर बदलते हैं तो इसमें भी आपको जो है 100% चांस मिलेंगे। लाभ की बात करें तो लाभ आपको होता रहेगा,
नए नए चांस जो है आपके लाभ से लाभ मिलेगा, यानी कि नए नए लाभ आपको होते रहेंगे, कोई नया स्रोत आएगा आपके लिए मिलेगा, और आपसे बड़े भी कुछ आपको सपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही धन संचय आपका होता रहेगा, क्योंकि धन संचय के लिए ये समय अच्छा है। इस समय जो है आप जितना अधिक धन को संचय करेंगे वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी दूर देश की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन की अगर आपकी बात करें तो दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50-50 का ही चांस रहेगा, क्योंकि 50% अच्छा 50% बुरा भी रहेगा, तो थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में आपके कड़वाहट आ सकती है, आपके जीवन साथी साथ कुछ मनमुटाव रहेगा। अगर बात साझेदारी की जाए व्यापार में, तो साझेदारी के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय की गई साझेदारी आपको व्यापार में लाभ देगी, साथ ही व्यापार से जुड़ी भी और भी कई तरह के लाभ आपको हो सकते हैं, लेकिन इस समय आपका जो है मानसिक तनाव में रहेगा, आप थोड़ा मानसिक तनाव बना रहेगा, और कुछ आत्मविश्वास की कमी जो है मेष राशि वालों के लिए आ सकती है, क्योंकि बात हम मेष राशि मेष लग्न के लिए कर रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए कुछ मानसिक तनाव रहेगा, और आप कोई भी निर्णय लेने से पहले हड़बड़ाहट ना करें, नहीं तो आप जल्दबाजी में कोई निर्णय खराब कर सकते हैं। तो ये था मेष राशि का राशिफल सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद। हमारी और वीडियो और भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें, और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।